हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूबा कीज़। आप लोगों का स्वागत है क्यूबा कीज़ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाबियां किस किस प्रकार की होती हैं, इस चाबी को क्या कहते हैं, चाबियों की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, चाबियों की कटिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम जो है चाबियों को तीन कैटेगरी में बांटेंगे, जिससे हमें चाबियों को समझने में आसानी होगी। सबसे जो पहली कैटेगरी होगी डोमेस्टिक कीज़, उसके बाद होगी टू व्हीलर कीज़, इसके बाद होगी हमारी फोर व्हीलर कीज़, जिसे हम कार कीज़ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, चाबियों के बारे में बात करने से पहले हम पार्ट्स ऑफ की के बारे में बात कर लेते हैं कि चाबियों के किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं डोमेस्टिक की के बारे में बताता हूँ, फिर आगे जैसे जैसे चाबी आएंगी वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये चाबी है, तो जो चाबी के ऊपर वाले पार्ट को बो या हेड भी बोलते हैं, और नीचे जो जिधर कटिंग होती है उसे ब्लेड बोलते हैं, लास्ट के हिस्से को टिप बोलते हैं, और जिधर कटिंग होती है उसे हम बाइटिंग बोलते हैं, और चाबी को रोकने के लिए शोल्डर होता है उसे शोल्डर बोलते हैं। एक और इमेज आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप वो भी इमेज देखिए। तो दोस्तों, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे इसका जहाँ पर बो है वो आपको हेड या बो दोनों ही चीज़ें कह सकते हो आप, शोल्डर दिया गया है, ब्लेड दिया गया है, कटिंग दी गई है, और कोड जिसमें आप जो है की का कोड या लॉक कोड या अलग अलग कोड होते हैं वो कोड भी आप इसमें डाल सकते हो, और लास्ट में होती है टिप। अब इसमें चाबियों में इस तरीके की चाबियाँ जो है डोमेस्टिक में यूज़ होती है, और इसमें आपकी प्रोफाइल का भी अलग अलग फ़र्क होता है। तो मैं आपको एक बार प्रोफाइल का चार्ट दिखाता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि चाबियों में जो लाइनिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो दोस्तों, जब भी आप चाबी पकड़ें, चाबी हमेशा जो है उसका हेड अपनी तरफ करें, ताकि आपको पहचान हो सके कि चाबी लेफ्ट साइड है या राइट साइड। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड का कैसे पता चलेगा आपको, चाबी को जब आप अपने हेड की तरफ रखोगे, अपने हेड अपनी तरफ होगा आपका और उसका टिप सामने की तरफ होगा, तो आपको जो है जो ब्लेड है लेफ्ट साइड अगर कटिंग हुई भी है उसकी तो वो लेफ्ट साइड है, और अगर राइट साइड उसकी प्रोफाइल की कटिंग हुई भी है तो वो राइट साइड है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको दोनों का फ़र्क बता दिया। आगे दोस्तों, फ़र्क आता है इनके हेड का। आप देख सकते हैं दोनों ही चाबियों का ब्लेड सेम है लेकिन हेड अलग है, लेकिन चाबी दोनों ही लॉक में लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लेड की प्रोफाइल सेम है। लेकिन कुछ चाबी होती है जिनकी प्रोफाइल तो सेम होती है लेकिन उनमें लाइंस का फ़र्क आ जाता है, ग्रुप का फ़र्क आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों का हेड सेम है लेकिन प्रोफाइल अलग है। अब ऐसे ही दोस्तों, ब्लेड का साइज़ ऊपर नीचे का भी आ सकता है फ़र्क। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक्टिवा की चाबी है, अब इसमें ब्लेड सेम है, लाइन सेम है, हेड सेम है, लेकिन ब्लेड का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा है। ऐसे ही दोस्तों, आप चार्ट में देख सकते हैं कि अलग अलग चाबियों की अलग अलग प्रोफाइल होती है। तो ये रहा चार्ट, आप चार्ट में देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों, हेड सेम होता है लेकिन ब्लेड का भी फ़र्क आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक हमारे पास वी ब्लेड है और एक हमारे पास है लेज़र ब्लेड। अब हम बात करेंगे लेज़र कटिंग के बारे में कि लेज़र में किस किस प्रकार की कटिंग्स होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास जो है लेज़र कटिंग जो है कि इंडस्ट्री में बहुत सारी टाइप की होती है। हम सोचते हैं लेज़र कटिंग एक टाइप की होती है लेकिन लेज़र में भी कई सारी टाइप होती हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है हमारे पास ऐसी कटिंग वाली चाबी है जिसमें पहले से ही जो है लाइन डली हुई होती है, उसे अंदर से हमें कटिंग करनी होती है। इसके बाद आती है हमारे पास इस तरीके की चाबी जिसे अंदर से हमें कटिंग करनी होती है। इसके बाद दोस्तों आती है हमारे पास ये वाली चाबी जैसे BMW में आती है ज़्यादातर, जिसमें दोनों तरफ जो है कटिंग होती है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आती है ये वाली चाबी जिसमें बीच में लाइन होती है, और मोस्टली ये होंडे की चाबी में आती है और इसमें दोनों तरफ कटिंग होती है। इसके बाद दोस्तों आती है हमारे पास वॉक्स वैगन वाली चाबी जिसमें अंदर की तरफ कटिंग होती है, लेकिन इन दोनों की तरफ अगर देखोगे तो हल्की सी कटिंग होती ही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आती है हमारे पास होंडा वाली चाबी। होंडा वाली चाबी प्लेन होती है और दोनों तरफ इसकी कटिंग करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों आती है हमारे पास KTM और पल्सर 220 वाली चाबी जिसमें आपकी एक तरफ कटिंग होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाली।
इसके बाद दोस्तों आती है डिंपल कटिंग वाली चाबी। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, डिंपल वाली चाबी कुछ इस तरीके की होती है। डिंपल यानी कि चाबियों पे जो है डिंपल गड्ढे की तरह होती हैं, तो कुछ इस तरीके की होती है हमारी डिंपल वाली चाबियाँ। इसके बाद दोस्तों आती है डिंपल प्लस लेज़र कटिंग वाली चाबियाँ, लेकिन इंडिया में ये बहुत कम है, तो एक कटिंग ये भी आती है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आती है टिब्बे रोटरी वाली कटिंग वाली चाबियाँ, जैसे टबलर वाली चाबियाँ भी बोलते हैं। मोस्टली ये जो है बहुत कम है इंडिया में, और इसमें क्या है रोटेट करके चाबियों को कटिंग करनी पड़ती है। जैसे आप एग्जांपल में फिगो वाली चाबी देख ही सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आती है फ्लैट कटिंग करने वाली चाबियां, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ एग्जांपल है गोदरेज की चाबियों के। ये मोस्टली अलमीरा वाली चाबियों में और घरों की चाबियों में, या सेंट्रल लॉक जो शटर वाले लॉक होते हैं उनमें होती है। तो इसे फ्लैट कटिंग इसलिए बोलते हैं कि अगर आप इसे ध्यान से देखें, जो इसकी कटिंग स्टाइल है वो स्क्वायर शेप में है, फ्लैट है। इसे फ्लैट कटिंग और एच कटिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं डोमेस्टिक कीज में किस किस प्रकार की चाबियां आती हैं। तो दोस्तों टबलर की के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेजर कटिंग के बारे में भी बता चुका हूँ, डिम्पल में भी बता चुका हूँ, और फोर साइडेड कटिंग के बारे में बता चुका हूँ। अब ये जो मोटराइज की होती है सिंगल बिट वाली, और ये डबल बिट वाली, ये भी चाबियां होती हैं। और ये चाबियां जो है ज़्यादातर हमारे घरों में अलमारी में और पैडलॉक्स में और शटर्स में होती हैं, शटर लॉक्स में होती हैं। तो आप इधर भी देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार की होती हैं चाबियां। अब कुछ मॉडिफाई वाली चाबी भी होती है, जैसे ये गोदरेज की है, ये अल्ट्रा वाली है, इसमें लाइट भी है। और ये आप देख सकते हैं ये सारी जो चाबियां ये डोमेस्टिक में है। तो दोस्तों इसके बाद आती है हमारे पास टू व्हीलर वाली चाबियाँ। टू व्हीलर चाबियाँ मोस्टली हमारे पास 80% वी कटिंग वाली चाबी होती है, और बाकी जो होती है वो लेज़र कटिंग वाली चाबियाँ होती है। और इनमें लेफ्ट राइट का मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ चाबियों का हेड सेम होता है, ब्लेड अलग होता है, तो ब्लेड सेम होता है तो हेड अलग होता है। तो इसी प्रकार की होती हैं टू व्हीलर वाली चाबियाँ। अब टू व्हीलर वाली चाबियों में आती है कुछ ट्रांसपोंडर वाली चाबियाँ, लेकिन ये एक दो गाड़ियों में है, लेकिन ट्रांसपोंडर वाली चाबी का पार्ट हम डिस्कस करेंगे फोर व्हीलर की चाबियों में। अभी हम बात करते हैं मैग्नेटिक कीज के बारे में, जो कि टू व्हीलर में, मोस्टली टू व्हीलर में ही हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों उसके बाद आती है हमारे पास मैग्नेटिक वाली चाबी। मैग्नेटिक वाली चाबियों के हेड पर जो है मैग्नेट का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से आप जो है गाड़ी की लॉक खोल सकते हैं, गाड़ी का शटर लॉक खोल सकते हैं, और फिर चाबी उसके अंदर डाल के गाड़ी को ऑन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो मैग्नेट होती है उसका कॉम्बिनेशन होता है मैग्नेट का, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 से 5 होल होते हैं मैग्नेट में, और इसमें 3 होल में तो मैग्नेट लगती है और 1 होल खाली रहता है और बीच का होल खाली रहता है। अब जो 3 मैग्नेट लगती हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, इस तरीके के और भी कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें। तो दोस्तों कुछ चाबियां होती हैं जो बिल्कुल दिखने में सेम होती हैं, लेकिन मैग्नेटिक कीज में क्या है कि इसमें भी फर्क आ जाता है। ब्लेड का तो फर्क है ही है कि बड़ा छोटा ब्लेड हो ही जाता है, साथ में मैग्नेट का जो ऑप्शन है हेड फेस जिसे बोलते हैं उसका भी फर्क आ सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ये भी मेरे पास एक्सेस की चाबी है सुजुकी की। अब इसका हेड, दोनों ही का हेड अलग है, लेकिन चाबी का ब्लेड और चाबी बिल्कुल सेम। ऐसे ही दोस्तों कई बार कस्टमर कहते हैं कि मुझे बिना मैग्नेट वाली चाबी दे दो ताकि उसे सस्ती पड़ जाए, इसलिए वो बिना मैग्नेट वाली चाबी मांगता है। तो ऐसे भी में प्लेन चाबी भी आती है जिसे विदाउट मैग्नेट वाली चाबी भी बोलते हैं, या मैनुअल कीज भी बोलते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आती है हमारे पास फैंसी कीज। फैंसी कीज में हमारी जो चाबी होती है बिल्कुल सेम होती है, जो ओरिजिनल चाबी होती है उसका, और उसका ब्लेड दोनों का सेम होता है, लेकिन हेड अलग होता है, इसलिए इसे फैंसी कीज बोलते हैं। फैंसी कीज में आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, जैसे तलवार वाला, खंजर वाला, और किसी पेस वाला। तो दोस्तों उसके बाद आती है हमारे पास फिलिप की। फिलिप की में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस फिलिप की में ब्लेड जो है इसके मैकेनिज्म के साथ पूरा फिक्स है, और कुछ फिलिप की आती है जिनका जो ब्लेड होता है वो डिटेचेबल होता है, ब्लेड बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि ये मेरे पास फिलिप की है IQ की, इसमें आप जो है कोई सा भी ब्लेड लगा सकते हैं, यूनिवर्सल होती है फिलिप की। तो दोस्तों बाइकों की फिलिप की जो है अलग अलग डिज़ाइन की होती है,
और इनमें जो है आपको कुछ में कलर ऑप्शन भी मिल जाता है, और कई फिलिपी में जो है मैग्नेटिक सिस्टम भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक थी हमारी बाइकों की फिलिप चाबियों के बारे में, अब ये हमने पूरा कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं फोर व्हीलर कीज के बारे में। तो दोस्तों उसके बाद आती है हमारे पास फोर व्हीलर वाली चाबियां। फोर व्हीलर वाली चाबियों में सबसे पहले आ जाती है सिंपल वाली चाबियां। सिंपल वाली चाबियां बिल्कुल ठीक हमारी बाइक की चाबियों की तरह होती है, इनमें कोई ट्रांसपोंडर नहीं होता। और फिर आती है ट्रांसपोंडर वाली चाबियां। ट्रांसपोंडर वाली चाबियों में RFID ट्रांसपोंडर होता है, जिसकी अलग अलग ID होती है, और इससे जो है आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट होती है। बिना इससे गाड़ी अनलॉक तो हो जाएगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों आता है की शैल, ट्रांसपोंडर की शैल। यानी कि अगर कस्टमर के पास चाबी है, उसका ब्लेड टूट गया या ब्लेड घिस गया है, तो कस्टमर की चाबी में से ट्रांसपोंडर निकाल के की शैल में डाल दे, तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोंडर की शैल। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं हमारे पास रिमोट वाली चाबियां। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले आते हैं हमारे पास हैंगिंग रिमोट, जिसमें कोई ब्लेड नहीं होता, वो सिंपल रिमोट होते हैं, फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं तो उससे जो है गाड़ी हमारी लॉक अनलॉक और जो भी फंक्शन होते हैं रिमोट से वो हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं रिमोट की। रिमोट की में हमारा चाबी भी होती है, ब्लेड भी होता है, और इसमें ट्रांसपोंडर भी होता है, तो इसे कहते हैं रिमोट की। और इसके बाद आते हैं फ्लिप रिमोट। फ्लिप रिमोट का मतलब कि ऐसे रिमोट जो जिसका ब्लेड फ्लिप होता हो। जैसे बाइक की चाबियाँ में आपको मैंने बताया था कि चाबियाँ जैसे फ्लिप होती हैं, वैसे ही आते हैं फ्लिप रिमोट। इसके बाद आते हैं मॉडिफाइड फ्लिप रिमोट। इसमें क्या होता है कि कस्टमर के जो है रिमोट निकाल के मॉडिफाई वाले शैल में डाल दिया, तो इसे बोलते हैं मॉडिफाइड रिमोट शैल। ऐसे ही दोस्तों इनके भी शैल आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रिमोट शैल, ताकि इन्हें भी डुप्लीकेट करा जाए। इसके बाद दोस्तों आती है स्मार्ट की। स्मार्ट की को हम कीलेस एंट्री भी बोलते हैं, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं स्मार्ट की का मतलब स्मार्ट काम करना। तो जैसे ही हम गाड़ी की रेंज के आसपास चाबी को लेके आते हैं, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है डोर खोल देती है। तो साथ में इसके जो है आपको गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी को इंजन में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें दिया जाता है पुश बटन। तो यह होती है स्मार्ट की। इसके साथ दोस्तों आता है स्मार्ट शैल। जैसे कि की शैल और ट्रांसपोंडर शैल मैंने आपको बताया था, रिमोट शैल के बारे में बताया था, वैसे ही स्मार्ट शैल आता है, ताकि चाबी को डुप्लीकेट करने में आसानी हो जाए। इसके बाद दोस्तों आता है यूनिवर्सल रिमोट एंड ट्रांसपोंडर एंड स्मार्ट की। जैसे ही नाम से आप समझ रहे हैं यूनिवर्सल, यानी कि आप एक ही डिज़ाइन को जो है अलग अलग प्रकार की चाबियों में जनरेट करके मैच करके बना सकते हैं। ज़्यादातर जो यूनिवर्सल रिमोट होते हैं, मोस्टली जो भी आप डिज़ाइन ले रहे हैं तो वो उसी के ही टूल से बनेगा, और ट्रांसपोंडर भी उसी के ही टूल से बनेगा। जैसे एक्सोस का रिमोट ले रहे हैं तो एक्सोस के ही रिमोट से बनेगा, KD का रिमोट ले रहे हैं तो KD के ही टूल से बनेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट यू नेक्स्ट वन।